हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ मरियम अकील। टॉपिक हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिससे रिलेटेड एक और नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे एक्ट क्या कह रहा है इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस cause to him by the conduct of the promisor, that is the indemnifier himself, or by the conduct of any other person, ठीक है, is called the contract of indemnity. अब समझने की कोशिश करते हैं indemnity क्या है। देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, A है और B है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक contract of indemnity में आना चाह रहे हैं। तो जब ये दोनों एक contract of indemnity के अंदर आएंगे, तो A B से कहेगा कि तुम्हें अगर कोई भी तरीके का लॉस होगा, भले ही वो मेरी वजह से हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, उसको कंपनसेट करूँगा। ठीक है, दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये देख लीजिए, पहले इंडेमनिफायर जो प्रॉमिस कर रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक और पार्टी कौन सी है, इंडेमनिटी होल्डर, दैट इज प्रोटेक्टेड। जिसने क्या लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिया है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कराना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, इंश्योरेंस भी एक इसी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर इंडेमनिफायर आप इंश्योरेंस कंपनी को कह सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इंडेमनिटी होल्डर कौन कह सकते हो आप, पॉलिसी होल्डर कह सकते हो कि अगर कोई उसको लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है कि यस वी कैन कंपनसेट यू। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से आप समझिए, लिंक करके समझिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से ही लिंक करके समझिए किसको, इसको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी यही चीज़ है, दो पार्टीज आपस में मिल रही हैं। ठीक है, ए कह रहा है कि ठीक है, अगर बी तुम्हें कोई भी लॉस होता है, भले ही वो मेरी वजह से हो या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, तो मैं क्या करूंगा, उसको कंपनसेट करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सेफ एंड सिक्योर कर दूंगा तुम्हारे लॉस से। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ए और बी वही चीज़ है, ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट जो बी को लॉस हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, सी की वजह से। सपोज करिए बी और सी के बीच में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स के चलते क्या हुआ, बी को कुछ बहुत सारी कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं। ऑब्वियसली लीगल प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो बी ने क्या कर रखा था, ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना रखा था कि अगर मुझे कोई भी लॉस होगा तो वो कौन कंपनसेट करेगा, ए करेगा। तो बी और सी के बीच में जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, जिस केस में बी को लॉसेज इनकर्ड हुए इन दी फॉर्म ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कॉस्ट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की वजह से वो कौन कंपनसेट कर देगा, ए कंपनसेट कर देगा। यानी मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में हुआ है कि ए इंडेमनिफाई कर रहा है बी को। ठीक है, अब वो पहले से डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके के लॉसेज होंगे, किस वे में आप उनको कंपनसेट करने वाले हो, वो ए और बी दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे। मेन चीज क्या है, एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस कर रही है हर एक लॉस से आपको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, भले ही वो खुद उसकी वजह से हो या फिर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड आपको देखनी है, वो ये है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, आप कोई चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, बोल के बता रहे हो। ठीक, दूसरी चीज़ इम्प्लाइड का क्या मतलब है, एक्शन से या फिर कॉमन सेंस से वो चीज़ पता है कि ये चीज़ वहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप भी आपकी एक्सप्रेस इम्प्लॉयड दोनों इम्प्लाइड दोनों हो सकती है, वही चीज़ यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल लेके देखो, अगर दोनों के बीच में बोल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्रेस करी जा रही हैं कि भाई हाँ ये लॉसेज होंगे जिनके अगेंस्ट आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा, ए ने बी से बोल दिया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, इम्प्लाइड का क्या मतलब है कि बोल के नहीं किया जा रहा है, बट कॉमन सेंस है, वहाँ पर वो चीज़ होगी ही होगी। जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। अब प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है, खुद तो कोई काम नहीं कर रहा ना, वो तो एजेंट है। ठीक है, तो एजेंट को जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी, वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो कौन बियर करने वाला है, प्रिंसिपल ही करने वाला है। ठीक है, आपका ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, बट किस वे में होता है, इम्प्लाइड वे में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या क्या थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए लीगल। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़। जितनी भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में सारे इसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से कहा कि भाई तुम जेड के घर में जाके क्या करो, आग लगा दो। ठीक है, जेड के घर में जाके आग लगा दो, और उसमें जो भी तुम्हें खर्चा आएगा, जो भी तुम्हें नुकसान होगा, वो मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा। ठीक है, ऐसा एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो गया।
अब क्या हुआ, उसने जाके आग भी लगा दी जेड के घर में। आग लगाने के बाद कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल हुई, ए के ऊपर क्या लग गया, बी के ऊपर क्या लग गया, एक फाइन आ गया। ठीक है, जिसने इंडेमनीफायर ने कहा था बी से कि मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा, बी को नुकसान भी हो गया, 10,000 का फाइन उसको भरना पड़ गया है। तो अब बी जाके क्या करेगा कोर्ट से कि भाई कोर्ट, मैंने तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर रखा था, तो अब ये जो 10,000 है ये मुझे नहीं दे रहे। ठीक है, तो कोर्ट आपसे कहेगा कि भाई आप खुद बेवकूफ हैं, आपको ये नहीं पता कि ये इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट माने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो क्या नहीं है, लीगल है ही नहीं है, लॉफुल है ही नहीं है, तो आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करा सकते। तो आपको खुद ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी अगर हो रहा है तो उसके अंदर सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस भी देखो, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने सिर्फ पढ़ी होंगी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है, लॉस मिनिमाइजेशन है, जनरली आप यही वाले प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, यानी इंश्योरेंस के अंदर अपनी खुद की स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स प्लस जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसीलिए इंडेमनिटी के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नाउ अब दोनों जो पार्टीज है, चाहे इंडेमनीफायर हो चाहे इंडेमनिटी होल्डर हो, उनके कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं, ठीक है, जो एक्ट ने आपको बताए हैं। तो आइए देख लेते हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक राइट्स। अब देख लेते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। हमने जब एक्ट को समझा, हमें पता लग गया इंडेमनिटी होल्डर कौन सी पार्टी है जो प्रोटेक्शन ले रही है, हु इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो डिफरेंट राइट्स हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125, इट एनुमरेट्स द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। ठीक है, सेक्शन 125 आपको कुछ राइट दे रहा है किसको, इंडेमनिटी होल्डर को, कि अगर ऐसी ऐसी चीजें अराइज हो गई हैं आपके साथ तो आप इंडेमनीफायर के पास जाओ और उससे अपना कंपनसेशन ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडेमनिटी का। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या आती है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी सूट। अब कोई एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट कोई केस हो गया, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसमें इंडेमनिटी होल्डर क्या है, इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, अब लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या हो गया, जितनी भी चीजें, जितने भी उसको कॉस्ट इनकर्ड हुई, जितने भी उनको नुकसान हुए, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा, वो सीधे इंडेमनीफायर के पास जाएगा। पहले तो वो उनको पे कर देगा, फिर इंडेमनीफायर के पास जाके उनका रिटर्न, उनका कंपनसेशन ले सकता है। ओके, नेक्स्ट राइट भी आपसे सिमिलर ही है। क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट राइट आपसे कहता है ऑल कॉस्ट ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट। सिमिलर वही है जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी कि बी एंड सी का एक लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है। तो बी क्या कहेगा कि भाई मैंने तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा है, तो जो भी मैं पैसे खर्च कर रहा हूं उसका पैसा तुम कौन देने वाला है, ए यानी जो इंडेमनीफायर है वही उसको देने वाला है। थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है, ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट प्रोवाइडेड सच कॉम्प्रोमाइज इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर एंड वॉज वन विच इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर द इंडेमनिटी होल्डर टू मेक। अब ये कंडीशन आपसे ये कह रही है, कभी कभी क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स आपकी एक तो एक सिचुएशन में होती है, या फिर दोनों पार्टीज जिनके बीच में लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कभी कभी ये डिसाइड करती हैं कि चलो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी तो फ्री में नहीं हो जाएगा, उसमें भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड होगी। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी अगर बी और सी ने, यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, बी आपका था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर, बट बी और सी जिसके बीच में लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, अगर उन दोनों पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, तो उस केस में भी बी को जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है वो इंडेमनीफायर से कंपनसेशन ले सकता है। बट कंडीशन क्या है कि उसने क्या करा होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर को, जो इंडेमनीफायर के जितने भी ऑर्डर्स थे जो उन्होंने डिसाइड कर रखे थे, वॉयलेट नहीं करा हो। ठीक है, और उसने इंडेमनिटी होल्डर ने सारी चीजें वही करी हो जो एक रैशनल इंसान उस सिचुएशन में करता, यानी सारे उसके डिसीजन रैशनल होने चाहिए। ठीक है, एंड इंडेमनिटी होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल दीज राइट प्रोवाइडेड ही एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। यानी जितनी उसको पावर दी गई है, जितनी उसकी अथॉरिटी, जितनी टर्म्स डिसाइड करी गई थी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उतनी ही उसको कंपनसेशन क्या होगी, दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने एक पार्टी को कुछ राइट्स दिए हैं तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी के भी कुछ सर्टेन राइट्स होंगे। दूसरी पार्टी कौन है, इंडेमनीफायर, जो आपसे कह रही है कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन द राइट ऑफ द इंडेमनीफायर, बट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141 एंड द वेरियस कोर्ट वर्डिक्स, द राइट ऑफ द इंडेमनीफायर आर सिमिलर टू द राइट्स ऑफ अ श्योरिटी विच आर एस अंडर। ठीक है,
अब स्पेसिफिकली इस एक्ट के अंदर कुछ राइट्स नहीं बताए गए हैं, साइलेंट है एक्ट, यानी स्पेसिफाई नहीं किया है, बट क्या कहा गया है कि जो प्रोविजंस आपके श्योरिटी के अंदर होते हैं, जो आपके राइट्स ऑफ श्योरिटी के अंदर कवर्ड होते हैं, वही सिमिलर कहाँ इंक्लूड होंगे, राइट ऑफ इंडेमनीफायर के अंदर इंक्लूड होंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या है, एन इंडेमनीफायर आफ्टर ही हैज पेड द डैमेजेस अंडर एन इंडेमनिटी रीगेन्स द राइट ही हैड डेलीगेटेड टू द इंडेमनीफाइड. सिंपली क्या मतलब है इस पॉइंट का, देखिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर का, अब क्या हुआ, उसने क्या करा, आपको कंपनसेट भी कर दिया, तो इस टाइम पे जो उसके राइट्स है ना इंडेमनीफायर के, वो उसके पास वापस आ जाएंगे, वो उन राइट्स को रीगेन कर लेगा. यानी जो उसने राइट्स आपको दिए थे, अब कंपनसेशन उसने दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, राइट्स किसके पास रीगेन हो गए, इंडेमनीफायर के पास राइट्स सारे रीगेन हो गए. दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है, इफ द इंडेमनीफायर हैज इंडेमनीफाइड द इंडेमनिटी होल्डर ही गेट द राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडेमनीफाइड. सिमिलर इसके अंदर आप लीजिए इंश्योरेंस की एक एग्जाम्पल लेके देखिए, कार एक्सीडेंट आपका हो गया, आपने कार इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है, आपने उस टाइम पे क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा ले लिया, बट उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास भी राइट है, वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है. वही एक राइट इंडेमनिटी होल्डर के फायर के पास भी होता है कि अगर उसने इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेशन दे दी है, उसके बाद उसके पास सारे राइट्स क्या हो गए हैं, रीगेन हो गए, तो अब उस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, थर्ड पार्टी को भी स्यू कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, उसके पास वापस से वो राइट्स आ गए. If the indemnified suffered any damage which are not covered by the contract of indemnity, the indemnifier is not bound by law to pay such damages. जैसे insurance के अंदर होता है कि आपकी terms and conditions पहले से decide हो जाती हैं कि भाई ये losses होंगे, उसके against आपको compensation दी जाएगी. वैसे ही indemnifier पहले से आपको बता देता है, आपकी terms and conditions decided होती हैं कि अगर इस तरीके के loss या damages होंगे तो ही indemnifiers के आप ले सकते हो, otherwise law के पास जाके ये बोल के कि भाई ये नहीं दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से डिसाइडेड नहीं था. ठीक, लास्ट क्या कहता है आपसे, द इंडेमनीफायर इज एंटाइटल्ड टू सू थर्ड पार्टीज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ही हैज पेड टू द इंडेमनीफाइड. हमने अपनी इससे पहले वाली कंडीशन में क्या देखा कि इंडेमनीफायर क्या है, इंडेमनिटी होल्डर के बिहाफ पे क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है. ठीक है, बट स्यू करेगा तो उससे उतना ही पैसा वो गेन करेगा जितना उसने इंडेमनिटी होल्डर को पे किया है, क्योंकि इंडेमनीफायर भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं आएगा जहां पे वो प्रॉफिट बना ले. ठीक है, जितना उसने इंडेमनिटी होल्डर को पे किया है वो ही क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी भाई उसको स्यू करने के साथ. ठीक है, तो ये थे आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और आपके डिफरेंट डिफरेंट राइट्स रिलेटिंग टू द इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनिटी होल्डर. आई होप आपके समझ में आया होगा. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.